हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे डाउनलोड लिंक के थ्रू अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे अपनी क्लासेस रन कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, आपकी क्लासेस का लिंक आपको आपकी मेल आईडी पर आएगा। जैसे मुझे मेरी मेल आईडी पर COC एजुकेशन की तरफ से क्लासेस का लिंक आया हुआ है। ठीक है बच्चे बच्चे एक बारी अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सब अपना मेल जो है वो प्रॉपर रीड करिएगा। आपको क्लासेस चलाने से रिगार्डिंग सारे इंस्ट्रक्शन आपकी मेल पे ही दिए जाएंगे, तो आप मेल को एक बार प्रॉपर पढ़िएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों, हम अपनी क्लासेस डाउनलोड करते हैं। तो हम आते हैं स्टेप वन में। स्टेप वन क्या दिया हुआ है आपको, सिंपली डाउनलोड दी क्लासेस फ्रॉम हियर डीलिंग फॉर क्लास 11th अकाउंटेंसी, और ये मुझे लिंक दिया हुआ है इसके आगे। बच्चे मैंने फॉर एग्जांपल क्लास 11th का लिंक लिया हुआ है। आप जिस भी ग्रुप की क्लासेस लोगे आपको उसी ग्रुप का लिंक आएगा। जैसे कि आप 12th का लेते हो या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स CA CMA CS, जिस भी कोर्स का आप क्लास लोगे उसका आपको लिंक आएगा। तो हमें क्या करना है, मेरे को सिंपली इस लिंक पर क्लिक करूँगी मैं। तो ये मुझसे आस्क कर रहे हैं कि वेयर डू यू वांट टू ओपन दिस क्लासेस। हमें आप चाहो तो क्रोम से भी कर सकते हो, ड्राइव से भी कर सकते हो, ओपेरा मिनी से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ड्राइव सिलेक्ट करूँगी। ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद ये मेरा गूगल ड्राइव पे ओपन होगा। क्लास 11th के अंदर इतने फोल्डर्स है आपके, तो उसमें से देखेंगे बच्चे, इसमें हमारी जो सर ने एडिशनल क्लासेस डाली है वो है, ये क्लास 11th का एक फोल्डर है। देन वीडियो इंस्ट्रक्शन है एक, ये आपका ई बुक है। ई बुक्स में आपको क्या दिया जाएगा, जो भी सर क्वेश्चंस करा रहे होते हैं आपके उस पर, मतलब आपके वीडियो क्लासेस में, वो सारे क्वेश्चंस आपको ई बुक में दिए जाते हैं। और ये इंस्ट्रक्शंस है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीडियो डाउनलोड करना है। मैंने जैसे क्लास 11th की जो वीडियो लेक्चर का एक फोल्डर दिख रहा है आपको, वो फोल्डर ओपन किया मैंने। उसके अंदर आपको सारी क्लासेस दिखेंगी। देखिए हमारी क्लास 11th में इतने लेक्चर्स हैं, ये सारे लेक्चर्स मुझे दिख रहे हैं। तो अब इसमें से मुझे जो भी लेक्चर डाउनलोड करना होगा मैं वो फोल्डर ओपन करूँगी। जैसे जर्नल एंट्री का मुझे डाउनलोड करना है, तो मैंने जर्नल एंट्री के फोल्डर को ओपन किया। तो उसके अंदर मुझे ये 11 फाइल्स दिख रही है। जर्नल एंट्री में क्लास 11th के अंदर 11 फाइल्स है। तो उसमें से कोई भी एक क्लास डाउनलोड करते हैं। जैसे मैं जर्नल एंट्री का क्लास 1 डाउनलोड करती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, आप देखेंगे क्लास 1 के बगल में मुझे छोटे छोटे 3 डॉट्स दिख रहे हैं। मैं उस 3 डॉट्स पर जब क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मुझे ओपन विथ के नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद 1 आइटम विल बी डाउनलोडेड, सी नोटिफिकेशन फॉर डिटेल्स। ये मुझे देखिए नोटिफिकेशन बार में डाउनलोड होता हुआ शो कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना प्लेयर इंस्टॉल करते हैं, जिसके लिए मैं क्या आऊँगी, अपने मेल पे वापस से आऊँगी। तो मैं अपने मेल पर आई। मेल पर देखेंगे बच्चों, मुझे यहाँ पर सेकंड स्टेप में प्लेयर का लिंक दिया गया है, डी लिंक फॉर टाइप बी फॉर एंड्रॉयड मोबाइल। ठीक है, तो इसके आगे जो लिंक है मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगी। तो ये लिंक जो है मेरा वो प्ले स्टोर पर ओपन होगा। प्ले स्टोर पर इंस्टॉल का ऑप्शन आया आपको, मैंने इंस्टॉल पर क्लिक किया। तो ये मेरा प्लेयर हो गया इंस्टॉल। यहाँ पर अब मुझे ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन। तो यहाँ पर बच्चे देखिए मुझे सर्वर नेम आस्क कर रहा है। तो सर्वर नेम क्या होता है आपका, तो बच्चे सर्वर नेम हम आपको आपकी ईमेल आईडी पर ही देंगे आपकी क्लासेस के साथ। तो हम क्या करते हैं, वापस से अपने ईमेल पे आते हैं। ये देखिए जहाँ पे आपको प्लेयर का लिंक दिया गया था सेकंड स्टेप में, उसके जस्ट नीचे ही सर्वर नेम दिया है। सर्वर नेम आपका बच्चे COC है, आपको स्मॉल लेटर्स में COC टाइप करना है विदाउट स्पेस। तो हम वापस आते हैं प्लेयर पे। यहाँ सर्वर नेम में मैंने COC टाइप किया एंड क्लिक टू एंटर। उसके बाद यहाँ पर एक आ रहा है फोल्डर टू सर्च, क्लिक टू ब्राउज। अभी हम इस प्रोसीजर को यहीं पर रखते हैं और चेक करते हैं कि हमारी क्लास डाउनलोड हुई है या नहीं हुई। मैंने नोटिफिकेशन बार में दिया, देखा जर्नल एंट्री का मेरा क्लास हो चुका है डाउनलोड। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं अपने फाइल मैनेजर पे सर्च करूँगी। ये मेरा फाइल मैनेजर है, मैं फाइल मैनेजर पे अपने स्टोरेज पे गई। स्टोरेज पे मैंने देखेंगे ऊपर सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है। सर्च पे मैंने चैप्टर सर्च किया, कौन सा चैप्टर डाउनलोड किया था मैंने, जर्नल एंट्री का। ये जर्नल एंट्री जे डालते ही मेरा क्लास 1 जर्नल एंट्री आ गया है। मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखेंगे बच्चे मुझे नीचे मूव का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इसे मूव पे क्लिक करूँगी। आपको बच्चों यहाँ पे कट का भी ऑप्शन आ सकता है, कॉपी का भी ऑप्शन आ सकता है। तो मैंने मूव पे क्लिक किया, इंटरनल स्टोरेज में गई मैं। इंटरनल स्टोरेज में जाने के बाद आप क्या करेंगे, इसे अपने डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर पेस्ट करेंगे। डाउनलोड्स का फोल्डर ओपन किया मैंने, पेस्ट किया। ठीक है बच्चे, मेरी क्लास पेस्ट हो गई है यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना प्लेयर चेक करते हैं। देखिए बच्चे, जब प्लेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको ऐसा शो करेगा। मैं इसको आगे ले आती हूँ। ये आपका प्लेयर है COC का, हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है सिलेक्ट टू एंटर, तो मैं COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड पर क्लिक करूँगी।
यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे को अगेन वो ऑप्शन आया है फोल्डर टू सर्च। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि किस किस तरीके से आपको फोल्डर्स बनाने हैं। उसके नीचे आपको क्लिक टू ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक टू ब्राउज पे क्लिक करेंगे आपका फाइल मैनेजर ओपन होगा। बच्चे देखिए, अगर आपका डायरेक्ट डाउनलोड्स का फोल्डर ओपन होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, डाउनलोड्स के बगल में देखिए आपको थ्री लाइंस आ रही हैं, उस लाइन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपने अगर एसडी कार्ड वगैरह लगाया तो वो आएगा, अदरवाइज आपको ये फ़ोन स्टोरेज करके भी आ सकता है। मेरा रेडमी का फ़ोन है तो यहाँ पर फ़ोन का नाम भी आ सकता है, तो रेडमी नोट 8 पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद देखेंगे बच्चे यहाँ पर जिस भी फोल्डर में आपने क्लासेस रखी है आप उस फोल्डर को अलाउ करेंगे। जैसे हमने डाउनलोड्स के फोल्डर में रखी है तो हम डाउनलोड्स के फोल्डर को यहाँ पे अलाउ करेंगे। यहाँ पर देखिए मुझे यूज़ दिस फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे अलाउ भी आ सकता है और सिलेक्ट भी आ सकता है। तो मेरे को डाउनलोड्स के फोल्डर में मैंने क्लास रखी थी, मैंने उसे यूज़ किया। अब मुझे क्या करना है, जनरल एंट्री की क्लास चलानी है तो मैं क्लास पर क्लिक करूँगी। यू या तो आप चाहो तो क्लास पे क्लिक कर दो या तो पूरा यूज़ दिस फोल्डर कर दो। यूज़ दिस फोल्डर करेंगे, अलाउ किया, ये आपको पूरा डाउनलोड्स का फोल्डर आपके प्लेयर के अंदर शो कर रहा है। अब मैं क्या करूँगी, डाउनलोड पे क्लिक करूँगी। ये मेरी जनरल एंट्री की क्लास 1 दिख रही है, इस पर क्लिक किया। अब ये मुझसे मेरा लॉगिन आईडी आस्क कर रहा है। तो बच्चे लॉगिन आईडी कहाँ मिलेगा आपको, लॉगिन आईडी आपको आपके मेल पर ही आएगा। अगर आप फुल कोर्स के स्टूडेंट हो बच्चे तो आपको मेल पर आएगा क्लासेस के लिंक के साथ। अगर आपने चैप्टर वाइज क्लासेस ली हुई हैं तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम वापस से अपने मेल पर आते हैं। मेल पर देखेंगे बच्चे मुझे थर्ड स्टेप में मेरा लॉगिन आईडी दिया गया है, ठीक है। तो मैं, आप चाहो तो ये लॉगिन आईडी डायरेक्ट भी मतलब वहाँ पे लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप चाहो तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो बच्चे। बट ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको टाइप कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से टाइप करें। अगर आप गलत लॉगिन आईडी डालते हो तो ये चलेगी नहीं क्लास, आपकी करप्टेड शो करेगा आपको। तो लॉगिन आईडी की जगह पर मैंने अपना लॉगिन आईडी पेस्ट करा और मैं एक्टिवेट पर क्लिक करूँगी। बच्चे देखिए, मैंने यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी डाल दी है, अब आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। कनेक्टिंग इंटरनेट, प्लीज वेट। हो गया। और इनमें से कोई भी चीज अगर आपका डिग्री सकता है कि कुछ लोग जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो बदमाश लोग होते हैं। तो बच्चे देखिए, मेरी क्लासेस चल चुकी है। अब आप चाहो तो अपनी क्लासेस में स्पीड इंक्रीज करके भी चला सकते हो। आपको क्या करना है, स्पीड इंक्रीज करने के लिए क्लासेस चलती हुई के बीच में आपको स्क्रीन पर कहीं भी लॉन्ग प्रेस करना है, जैसे मैं करके बताती हूँ आपको। कुछ अलग अलग बातें आपको बताएंगे लेकिन अभी आप उनके बारे में नहीं, ये आपको स्पीड इंक्रीज करने के ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको बहुत गहराई तक आपको लेके चल रहा हूँ, आपको इतना मास्टर बना दूंगा इस अकाउंटिंग में कि आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। देखो ना, हमने कहा कि एसेट्स और एक्सपेंस अगर ये इंक्रीज करके तो मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो देखिये बच्चे, ये मेरी स्पीड इंक्रीज होकर क्लास चल गई है। आप भी इसी तरीके से अपनी क्लासेस चला सकते हो स्पीड इंक्रीज करके, डाउनलोड लिंक के थ्रू अपने एंड्रॉइड फोन पर।